नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून के सर्वे चौक पर स्थित IRDT ऑडिटोरियम में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल लतूड़ी की खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक का विमोचन किया। बता दें कि खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक संस्मरण और अनुभव पर आधारित है, जिसका प्रकाशन विंसर प्रकाशन की तरफ से किया गया है। वही कार्यक्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और DGP अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। और शुरू से लेकर मैंने उनकी पुस्तक को पढ़ने का प्रयास किया था। पूरी तो मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि जिस दिन आप मुझे पुस्तक देकर गए थे उसके बाद मैं वायरल में आ गया दो दिन, तो मेरा क्रम टूट गया। लेकिन सच कह रहा हूँ कि ये पुस्तक आप सब लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है, तो अभी सुरेखा जी बता रही थी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए, और मुझे लगता है 2-3 घंटे में पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे। तो ऐसी पुस्तक के हमारे रचयिता, और जिन्होंने ये भी लिखा कि मैं वर्दीधारी था, उसके पास शब्दों का सीमित कोष होता है, ये भी लिखा है उसमें जो मैंने देखा। तो आपने इतना शानदार ये पुस्तक का यहाँ पर जो है एक रचना करी है, और एक आने वाले जो हमारे नवोदित उदयमान अधिकारी हैं उनके लिए भी, जो अभी आपने कहा कि कुछ न कुछ उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके जीवन में यही स्थित प्रज्ञ था कि जो उनके बोलने में उन्होंने कितनी सावधानी से बातों को घुमाया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम आ सकती है। और सच में मैं बधाई देता हूँ आपको कि आपने ये और इतना शानदार यहाँ पर ये संयोजन भी किया है कि, और इसमें मुझे मंच पर तो हैं ही एक से महानुभाव आप हैं, और मुख्य सचिव महोदया ने आपकी जीवन संगनी, उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी और आपने उसका सारा श्रेय इनको दिया, तो आपको दिया तो थोड़ा बहुत श्रेय हम लोगों को मिल जाता है क्यों साथ में। तो हमारे पूर्व मुख्य सचिव रविशंकर जी, डॉक्टर सुधा जी, DGP साहब और सुरेखा जी ने बहुत गागर में सागर भर दिया शुरुआत में ही। और सुरेखा जी के बारे में वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आप सब भली भांति जानते हैं, लेकिन हाँ, जो उत्तराखंड राज्य आज पूरे देश में हम लोग कई चर्चा में आते हैं कि समान नागरिक संहिता की जो हमारा विधेयक है वो जल्दी विधेयक बनने के बाद लागू भी होने वाला है, तो उसमें आप भी उस कमेटी की मेंबर रही और बड़ा आपने परिश्रम किया अपने साथियों के साथ सुरेखा जी, और यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे सभी एक से एक महानुभाव मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जिनकी अनेक अनेक क्षेत्रों में अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे आपने बहुत दिनों बाद मुझे एक पूरे उत्तराखंड राज्य की एक क्रीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। पंजी में किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, माधुरी दीदी हंस रही है मुझे देख के, तो मैं सच कह रहा हूँ ना। तो प्रीतम भाई, अभी पिछले दिनों वही स्थित प्रज्ञ जो आपने भी कहा, उस दिन आपने अपने पूज्य पिताजी के बारे में कहा था जब हम लोग पिछले कार्यक्रम में आए थे, तो आपने कहा कि जब सफलता होती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ ना कुछ जो दुआएं होंगी, आशीर्वाद होगा उसके कारण से, वह भी स्थित प्रज्ञ की श्रेणी में आता है। और सच में मैंने जब इसका नाम सुना ना सुरेखा जी, तो मैं भी एक दिन स्थित प्रज्ञ हो गया था किसी कारण से, अभी नहीं, मैं बहुत पहले। जब आपको लगता है कि दुनिया में या इस धरा पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो तब मुझे लगता है कि तब थोड़ा सा आपका जब सीधे ऊपर वाले से कनेक्शन जुड़ जाता है, और तब आप धरती से थोड़ा ऊपर भी उठ जाते हैं। और ये जब पुस्तक की रचना करते हैं हमारे साहित्यकार लोग,
कविताएं लिखते हैं तो वो भी एक धरातल से ऊपर उठ जाते हैं और उनका सीधा कनेक्शन जो है ऊपर वाले से हो जाता है। उसमें उनको लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उस समय में सीधे जब हमारा उस प्रभु से सीधे संबंध हो जाता है तो वह स्थिति भी स्थित प्रज्ञ हो जाती है और ऐसी स्थिति का अनुभव भी स्वयं नहीं होता है, ऐसी स्थिति का अनुभव भी प्रभु की कृपा से ही हो पाता है जिन पर प्रभु की कृपा होती है। तो मैं आज आप सभी विद्वत जनों का आप सबके समक्ष आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आदरणीय रतूड़ी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबका आज इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आप सबका सानिध्य प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भू वैकुंड नगरी बद्रीनाथ धाम में पवित्र श्राद्ध पक्ष के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ गई है। अब ऐसे में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने से बद्रीपुरी के होटल लॉज से लेकर तीर्थ पुरोहित हककूधारियों ने चेहरे भी अब खिले हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बद्रीपुरी में कपाट खुलने से लेकर अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं आजकल मोक्ष धाम में ब्रह्म मुहूर्त से ही बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 20 सितंबर को भी तकरीबन 7,800 श्रद्धालु मोक्ष धाम पहुंचे थे, जहां सभी ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर साथ साथ अपने पितरों के नाम पर तर्पण पूजन कर पितृ आशीर्वाद प्राप्त किया है। बद्रीपुरी से करीब 4 किलोमीटर पहले रगाड़ा बैंड के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग खुल गया है। देर रात से रगाड़ बैंड बद्रीनाथ के पास सड़क पर भारी बोल्डर और मलबा आने से बद्रीनाथ धाम का सड़क मार्ग बाधित हो गया था, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे के दोनों तरफ तीर्थयात्रियों के सैकड़ों वाहन फंस गए थे। वहीं अब हाईवे खुलने से तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम में मानसून के दिन बीतने के साथ ही सितंबर के तीसरे सप्ताह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चला है और यात्रियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। इस समय काफ़ी चहल पहल यहां के बाज़ारों में देखी जा रही है, जिससे कि स्थानीय छोटे कारोबारी और होटल व्यवसायी आदि सभी लोग यहां पर काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह यात्रा श्री बद्री विशाल के कपाट बंद होने तक चलती रहेगी और मौसम भी ऐसे ही खुशगवार बना रहेगा, जिससे कि यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों का आनंद ले सके और आसपास के सुंदर नज़ारों का भी आनंद ले सके। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। पहले जहां पहाड़ की महिलाओं की जिंदगी चूल्हा चौका और जंगलों की तक ही सीमित रह जाती थी, वहीं अब महिलाएं स्वरोजगार को अपनाकर स्वाभिमान के साथ साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सिलाई मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्हीं सिलाई मशीन का सुखद परिणाम ये रहा कि आज दुरुस्त गांव की महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार चला रही हैं। उत्तरकाशी जिले में भी अब तक 325 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से ज्यादातर महिलाओं ने अपने गांव में ब्यूटी पार्लर, बुटीक और सिलाई सेंटर शुरू कर दिए हैं, जिससे महिलाओं में खुशी की लहर भी है। सर्वप्रथम तो मैं आज कहना चाहूँगा कि आज पीएम विश्वकर्मा का जो है एक साल पूरे हो गए हैं, तो वर्षगांठ समारोह चल रहा है जो कि वर्धा में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है इस कार्यक्रम को जो है वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये पूरे भारत में अभी लाइव चल रहा है और पूरे भारत में 500 ट्रेनिंग सेंटर ऐसे हैं जो अभी लाइव चल रहे हैं, इस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं। दूसरी बात है पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है, इसमें जो 18 प्रकार की जो है ट्रेड है, जिसमें जन शिक्षण संस्थान उत्तरकाशी को जो है सिलाई का ट्रेड मिला है टेलर का, तो उसमें सर हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों को जो है 240 का जैसे लक्ष्य मिला था कि इसे हमें पूरा करना था, तो
दो उसमें से 225 लोगों को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जो उनके पैतृक कार्य हैं उसके अनुसार जो है लोगों को स्वावलंबी बनाना। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न के तहत शुरू की गई एक योजना है जिससे जितने भी लाभार्थी हैं और हमारे जो प्रशिक्षार्थी हैं उनके उनको प्रशिक्षण शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है उसके माध्यम से उनको उनका कौशल विकास किया जाएगा। और ख़ासकर हमारे जो गढ़वाल मंडल है यहाँ की जो हमारी माताएं हैं बहनें हैं उनको आर्थिक रूप से और उनके स्किल को डेवलप करने के लिए यह एक जो शॉर्ट टर्म कोर्स है ये बहुत उपयोगी है। और मैं आज यहाँ जन शिक्षण संस्थान में जो है उपस्थित सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके भविष्य के लिए कि वो जाएं और इस योजना का जो लाभ उनको प्राप्त हुआ है वो अपने समाज में भी इसको फैलाएं और ताकि और भी जो अन्य जो माताएं हैं महिलाएं हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। राजे चौहान हूँ चिन्याली से और बिल्लोक से हूँ सरकासी बंचौर से आई हूँ और हम गांव के 5 दिन की जो हमने यहाँ पे विश्वकर्मा योजना का लाभ लिया है और अब हम इसमें जो है हम बहुत खुश है और सारी महिलाएं खुश है इसमें। हम अपना रोजगार जहाँ तक हम आगे बढ़ाए और हमें खुशी है घर गाँव के महिला जितने भी है जिसको किसी किसी को इतनी खुशी है कि हमें मशीनें मिल रहे मोदी जी के कृपा से जुड़े हैं हमारे पास यही है यहाँ पे और हम सिलाई का जो काम है आप लोगों का हमें खुश है। हम जहाँ तक कुछ सीख रखे कुछ आगे सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे पहाड़ के विषय में जो सोचा बहुत ही अच्छा लगा और जो महिलाओं ने यहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग ली और आगे उन्हें जो टूलकिट मिलेगा वो भी अपने आगे व्यवसाय के लिए काम आएगा और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। इन्होंने पहाड़ के बारे में सोचा और ये स्वरोजगार देने का काम किया और आगे भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उत्तरागढ़ में पर्यटन विभाग की तरफ से करोड़ों की लागत से वरदानी देवी देव मंदिर के पास एक पार्क का निर्माण किया गया है। ये पार्क इन दिनों पर्यटकों के मुख्य आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इस पार्क में पर्यटन दूर दूर से घूमने के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन इसी बीच पार्क में हुए कैंटीन के आवंटन को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये पार्क बनाया जा रहा था तो ग्रामीणों ने पार्क के लिए अपनी जमीन दी थी जिस पर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि इस पार्क में स्थानीय लोगों को ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वहीं डीएम विनोद गोस्वामी ने बताया है कि इस पार्क को टेंडर के माध्यम से अलॉटमेंट करवाया दिया गया है। इसके साथ ही वहाँ पर और भी योजना चलाई जा रही है जिसमें निसंदेह ग्रामीणों को रोजगार दिया जाएगा। वरदानी पार्क के आसपास में जो ग्रामीण हैं जो जो विलेज है उनका ये कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पर्यटन से संबंधित गतिविधियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए रोजगार के लिए। तो उनकी मांग निसंदेह जो है ठीक है जायज़ है कि वो लोग रोजगार के लिए जो है अपने डिमांड कर रहे हैं बट वरदानी पार्क का कार्य जो है वो पहले टेंडर के माध्यम से किया गया परंतु उसके अतिरिक्त भी वहाँ और योजनाएं चलाई जा सकती हैं और रोजगार पर कार्य किए जा सकते हैं तो मैंने उनको वही बताया है तो उनमें उनको जरूर प्राथमिकता दी जाएगी। सर एयरपोर्ट के ठीक वरदानी मंदिर के ऊपर जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज जो लगा है पार्क जिला पंचायत ने पूर्व में जो बनाया था तो जिस समय वो पार्क बन रहा था तो उस समय समस्त जो गांव वालों के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था जो मौखिक जो रूप से कि यहाँ पे अगर जो रोज़गार के कोई जो साधन बनते हैं तो प्राथमिकता बजटी वार्ड वालों को मिलेगी लेकिन वर्तमान में जब पार्किंग का वो हुआ जो सौंदर्यीकरण हुआ पार्क का तो वहाँ पे भारी जो व्यक्तियों को है उनको कैंटीन का जो टेंडर अपने जो मनमाने जो है ढंग से दे दिया है और जबकि प्राथमिकता के आधार पे बजेटी के किसी युवक को या बजेटी के किसी जो निवासी को ये कैंटीन का टेंडर देना चाहिए था। आपका शुभ नाम। चमोली में सभी पेंशनरों को अपना आधार कार्ड पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अपने कोषागार या उप कोषागार में अपडेट करवाना होगा। मुख्य कोषाधिकारी मामूर
ने जानकारी देते हुए बताया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर को पेंशन के डेटाबेस में अपडेट किया जाना है। पेंशनर किसी भी कार्य दिवस में अपने संबंधित कोषागार या उपकोषागार में जहां से पेंशन प्राप्त होती है वहां पर उपस्थित होकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर स्वयं के पेंशन डेटाबेस में अपडेट करा सकते हैं। जी, ये हमारी चमोली कोषागार में हमारी जितनी भी 9 सब ट्रेजरी हैं और इंक्लूडिंग हमारी सदर ट्रेजरी, तो हमारे यहाँ तकरीबन 2200-2300 के लगभग पेंशनर्स हैं जिनके पेंशन को का जो डेटाबेस है उसमें उनका आधार नंबर और पैन नंबर अपडेट होना है, जिसके लिए हमने अखबारों में भी विज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञप्ति जारी करी है। और इसके अलावा हमारे पास जो फिजिकली भी पेंशनर्स आते हैं उन्हें भी हमने बताया हुआ है, क्योंकि पेंशन के रिगार्डिंग आधार और पैन नंबर बहुत ज़रूरी हो गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर जो वो यूज़ करते हैं ताकि जब पेंशन जाए पर मंथ तो उनके पास मैसेज भी रिफ्लेक्ट हो, उसके लिए आधार और पैन गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी किया गया है। इसलिए हमने ये सभी जगह सूचना प्रचारित प्रसारित करी है कि हमारे चमोली जनपद के जितने भी पेंशनर्स हैं या तो वो हमारे सदर कोषागार गोपेश्वर में आकर या फिर जो हमारी नियर बाय सब ट्रेजरीज हैं, क्योंकि हमारे 9 ब्लॉक हैं, यहाँ पर 9 ब्लॉक में हमारी 9 सब ट्रेजरी हैं। रुड़की के मंगलोर में मंडावली गांव के पास गंग नहर के किनारे एक आधा जला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं शव की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच करना शुरू कर दिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं SP देहात स्वप्न किशोर ने बताया है कि पुलिस को आधा जले शव की सूचना मिली थी, जिसके हर पहलुओं से जाँच कर साक्ष्य जुटाने के बाद कार्रवाई की जा रही है। पर एक शव अधजली अवस्था में है पड़ा हुआ। इस सूचना पर यहाँ मंगलौर कोतवाली की टीम और फील्ड यूनिट की टीमें यहाँ आई हैं, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो कुछ भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में रोजगार नहीं होने की वजह से लोग पलायन कर जाते हैं, लेकिन उत्तरकाशी में PM विश्वकर्मा योजना से पहाड़ की महिलाओं की तकदीर अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। निशुल्क प्रशिक्षण के साथ स्वरोजगार के लिए मशीनें भी मिल रही हैं, लिहाजा महिलाओं की आजीविका अब बदल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी में धीरे धीरे अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही। पहले जहां पहाड़ की महिलाएं घर में ही चूल्हा चौका तक ही सीमित थी, तो अब महिलाएं स्वरोजगार को अपनाकर स्वाभिमान के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। सर, यहाँ पे मैं जन शिक्षण में आई थी संस्थान पे और यहाँ हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने हमें यहाँ पे ट्रेनिंग में सिखाया, हमें मशीन के बारे में बताया और यहाँ पे हमें बहुत चीजें सिखाई गई हैं, तो सिलाई कैसे करते हैं और हमारे स्टेप उन्होंने हमें बताए कि सिलाई कैसे कटिंग करते हैं सूट सलवार की, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हमारी टीम है जो भी ये सब सीख रहे हैं तो ये आगे अगर जैसे बढ़ाते हैं अपने बिजनेस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है। आज के टाइम पे ऐसा है कि आज के टाइम पे कहीं भी जॉब नहीं, अगर हम देखें नौकरी नहीं है, अगर नौकरी है तो उन लोगों के लिए कि जो लोग दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और हम लोग इतना टाइम नहीं दे पाते क्योंकि हमें घर पर काम भी रहते, बहुत चीज़ें होती हैं कि हमें देखनी पड़ती है। हमें मशीन मिल रही है, फ्री में मिल रही है, हमें लोन मिल रहा है, हमें बहुत चीज़ें मिल रही हैं, हमें फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है 7 डेज की, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए और प्रशिक्षण के साथ महिलाओं को 3,000 रुपए के साथ ही प्रशिक्षण पूरा कराने के बाद सिलाई मशीनें निशुल्क उपलब्ध कराई गई, जिसका सुखद परिणाम ये रहा कि आज दूरस्थ गाँव की महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार चला रही हैं। मैं अपने SSP प्रधानमंत्री जी को कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे पहाड़ के विषय में जो सोचा बहुत ही अच्छा लगा, और जो महिलाओं ने यहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग ली और आगे उन्हें जो टूलकिट मिलेगा वो भी अपने आगे व्यवसाय के लिए काम आएगा, और SSP प्रधानमंत्री जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। इन्होंने पहाड़ के बारे में
सोचा और ये स्वरोजगार देने का काम किया और आगे भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। गांव के 5 दिन की जो हमने यहाँ पे विश्वकर्मा योजना का लाभ लिया है और अब हम इसमें जो है हम बहुत खुश है और सारी महिलाएं खुश है इसमें। हम अपना रोजगार जहाँ तक हम आगे बढ़ाए और हमें खुशी है घर गांव के महिला जितने भी है जिसको किसी को इतनी खुशी है कि हमें मशीनें मिल रहे हैं मोदी जी के कृपा से जुड़े हैं हमारे पास यही है यहाँ पे और हम सिलाई का जो काम है आप लोगों का हमें खुश है। हम जहाँ तक कुछ सीख रखे कुछ आगे सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी में अब तक 325 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है जिनमें से अधिकतर महिलाओं ने अपने गांव में ब्यूटी पार्लर बुटीक और सिलाई सेंटर की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को मशीनों के साथ 2 लाख रुपए तक का लोन भी बहुत कम ब्याज में दिया जा रहा है। मुझे ना बहुत अच्छा लगा यहाँ की ट्रेनिंग से जो चीज़ हमें नई भी आती थी ना उसके बारे में चल गए कटिंग सिलाई मशीन वगैरह के बारे में और इसके हमारे इसका ये फ़ायदा है हमें टूल किट भी मिलेगी तो उस टूल किट से हम वो फ़ायदा उठा सकते हैं अपने घर में सूट सलवार सिल सकते हैं किसी के अपने घर पर ही रोज़गार चला सकते हैं हम दुकान ना भी करें तो घर पर रोज़गार चला सकते हैं इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। PM विश्वकर्मा स्कीम जो है इसमें जो 18 प्रकार की जो है ट्रेड है जिसमें जन शिक्षण संस्थान उत्तरकाशी को जो है सिलाई का ट्रेड मिला है टेलर का तो उसमें सर हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों को जो है 240 का जैसे लक्ष्य मिला था कि इसे हमें पूरा करना था तो उसमें से 225 लोगों को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जो उनके पैतृक कार्य हैं उसके अनुसार जो है लोगों को स्वावलंबी बनाना। अब देखा जाए तो गांव में जैसे कई लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने इस पैतृक कार्य में हुनर है लेकिन वो जो है उस हुनर को जो है आगे नहीं कर पा रहे उसका रीज़न यही है कि उनको जो है आर्थिक रूप से जो है वो जो है सक्षम नहीं है तो इसमें माननीय जो है मोदी जी द्वारा जो सरकार द्वारा जो इसमें जो है 15,000 रुपये तक का टूल किट मशीन इनको जो है वितरित की गई तो आज ये कार्यक्रम है हमारे यहाँ जन शिक्षण संस्थान में चल रहा है। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय में महिलाओं को जब इनके प्रमाण पत्र वितरित किए गए तो इनके चेहरे की मुस्कान देख लगा कि शायद इनको आगे बढ़ने के लिए इसी मौके का इंतजार था। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अक्सर कहते हैं कि BJP सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं जिसका उदाहरण उत्तरकाशी में दिखने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न के तहत शुरू की गई एक योजना है जिससे जितने भी लाभार्थी हैं और हमारे जो प्रशिक्षार्थी हैं उनको प्रशिक्षण शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है उसके माध्यम से उनका कौशल विकास किया जाएगा और ख़ासकर हमारे जो गढ़वाल मंडल है यहाँ की जो हमारी माताएं हैं बहनें हैं उनको आर्थिक रूप से और उनके स्किल को डेवलप करने के लिए यह एक जो शॉर्ट टर्म कोर्स है ये बहुत उपयोगी है और मैं आज यहाँ जन शिक्षण संस्थान में जो है उपस्थित सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके भविष्य के लिए कि वो जाएं और इस योजना का जो लाभ उनको प्राप्त हुआ है वो अपने समाज में भी इसको फैलाएं और ताकि और भी जो अन्य जो माताएं हैं महिलाएं हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। राज्य गठन के 24 वर्ष होने को है लेकिन आज भी पहाड़ों में कई तरह की समस्याएं हैं। कहीं सड़क नहीं तो कहीं अस्पताल का भाव। अक्सर ये खबरें सामने आती हैं कि गांव के लोग पलायन कर रहे हैं पर अब पहाड़ की महिलाएं प्रशिक्षण लेकर खुद आमदनी कर रही हैं। लिहाजा उम्मीद है कि धीरे धीरे अब पलायन भी रुकेगा। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल TV के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।